था, फागण की देखो मार्च की बुआई का इतनी मांग है कि सोच में ही कटवा कर लेगे जी। मार्च की बुआई नु कहने लगे अड़वा ठाड़ा जैसा भी है तो हम दे दो, हम तो बोलांगे जी। देख लो तुम उस साइड से दिखाया आपको, मन्ने एक डेढ़ भी गई कट रहा। हाँ, वो कट रहा पंजाब के लेके थे उसे कटवा के जी जी। हाँ जी, तो मांग बहुत ज्यादा है, ऐसे नहीं है, मांग सब है पता, अभी चर्चा में भी हुई बीज है। अच्छा। हाँ जी, सबको पता, कुछ इसका प्रचार करने की भी कोई ज्यादा वो नहीं है, सबको पता चर्चा में है बीज है जी। तो कुछ क्वालिटी है इसमें, जब भी तो बुना चाहे लोग ही सकने। बिल्कुल 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 जी। ये तो भाइयों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से YouTube चैनल उदयवीर अलावत पर। भाइयों आज पंडोरे गांव में है, सन्नी भाई के खेत पर पहुंचे, और भाइयों इन्होंने 11015 वैरायटी लगा रखी है, और ये 11015 वैरायटी का बीज कहां से लेकर आए और कब की बुआई है भाइयों, और इस वैरायटी में क्या कुछ रोग वगैरह भी है कि नहीं है। ये बहुत ही पॉपुलर वैरायटी है भाइयों आज के समय में, और बहुत ही मांग है इसकी वैरायटी की अभी। तो किसान भाई से सारी जानकारी लेंगे, लागत क्या दे रखी, बीज तैयार कर रखा है भाइयों इन्होंने, और बहुत ही मारम मारी चल रही है इस बीज की। तो किसान भाई से परिचय लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी, अपना परिचय दे दो जी एक बार। सन्नी जी, सन्नी पंडोरा जी, उनके पास मैं शामली जिले में पड़ता गाँव, शामली से 20-25 किलोमीटर दूर है। चलो बहुत बढ़िया जी, जी।, जी। तो ये 11015 वैरायटी है भाई जी। 11015 है जी। तो ये भाई बीज कहाँ से लेकर आए इसका? बीज महाराष्ट्र से लाए थे जी। अच्छा, महाराष्ट्र से भी मंगवा था जी। हाँ। अच्छा, 6-7 दिन लगे थे आने में बीज को, भी लेट हो गया था ये मामला, सूख गया था बीज, मार्च के लास्ट में मंगाया था। अच्छा। हाँ जी, जब लगाया था। अच्छा, कौन सी विधि से बो रखा है आपने? ये ट्रेंच विधि से बो रखा जी। अच्छा, ये ट्रेंच का बोया है गन्ना? अच्छा, अच्छा मार्च के लास्ट की बुआई है। हाँ जी, मार्च के लास्ट की बुआई है। अच्छा भाई, जो मान लिया इसके, जैसा मान लिया ये पॉपुलर तो बहुत हो ही रहा जी जी, इसके रोग की क्या स्थिति है? रोग भी आवे थोड़ा? रोग कम है जी, बहुत कम। अच्छा। हाँ जी, मैं देखो इतना 38 रहेगा, पॉपुलर वाला काम है, जो का पॉपुलर रहे इतना बीमारी रही जी, इतना 38 रहेगा, खेत बराबर में रहेगा तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं नुकसान करेगा। 38 में देखो रसमई सुंडी होगी इसके, तो इसमें तो काम चलने का नहीं जी। इसीलिए नई वरायटी को देख रहे, हमने 2-3 वरायटी हो रही वो रखी, सारी वरायटी में देख रहे, चेक करके भाई जोन सी वरायटी सबसे अच्छी चलेगी, फिर उसी हिसाब से आगे फिर गन्ना बढ़ावांगे उसे ही। अच्छा, इसके आसपास 38 खेत खड़े होंगे? 38 खेत खड़े होंगे तो वे तो नुकसान करेंगे, कहीं ना कहीं फर्क रहेगा इस चीज का, लेकिन बहुत स्वस्थ गन्ना है, बहुत अच्छी मोटाई है, विकल्प है 38 बाद में एक बोने का, इसका ही मांग भी काफी है जी। चर्चा में है, ऐसी बात नहीं है, जब चर्चा में है तो कुछ ना कुछ खास बात है इस बीज में, जब ये चर्चा में है जी जी। नहीं, बीज तो बहुत है वैसे, अनुसंधान केंद्र के अंक यूपी के भी बहुत बीज है, लेकिन यू क्यों चर्चा में आया कि इसमें खूबी है कुछ ना कुछ, अभी तो चर्चा में आया जी। अच्छा, जैसा इसमें लागत क्या दे रखी भाई? लागत नॉर्मली है जी, बस वही जो नॉर्मल दे रहे आदमी, हमने बीज के हिसाब से ही लगाया था, देखो भाई पता लगा अगर अपने बेसी कोटे भी पूरे करने जी। भाई अपने उसमें अपने खर्चे भी हैं, सारी चीज है, उसी हिसाब से बुआई करी, उसी हिसाब से बोया था, अगर अपने खुद का बोने के लिए अभी मतलब वो पता तो जब भी चलागा अग नहीं मानते जी जी। अच्छा, स्प्रे भी कर रखी इसमें? हाँ जी, स्प्रे कर रखी, 3 स्प्रे कर रखी इसमें। अच्छा, 3 स्प्रे भी करी? 3 स्प्रे करी। तो कुछ संकेत आ गए थे कीड़े के, वैसे ही करी? बस ऐसे ही, अपना जब आदमी करे ही है तो सोचे ही है बन ना वे, आज की घड़ी तो ऐसा मामला हो रहा है, आने से पहले ही करे लोग, बाद में किया तो पहले ही करता है आदमी, नहीं संकेत तो हमें कुछ इसमें दिखाई नहीं दिए ना, तो किसी प्रकार का इसमें पोगा बोएंगे आप भी देख सको ना, कहीं इसमें तो बुरा रहा, सब कुछ स्वस्थ बीज है सारा का सारा, कोई समस्या नहीं जी जी जी। तो आ जाओ एक बार अंदर से दिखाओ। हाँ जी, अंदर से। चलो आओ जी, आओ। ये देखो भाइयों, ये सारा इस तरीके से खेत खड़ा, कहीं से भी देख सको, सारा साफ सुथरा खेत है। ये देखो जी, कहीं से भी देख सको आप, ये देख लो जी सारा इस तरीके से खड़ा भाइयों, 11015 है। अच्छा, इसकी एक बार मोटाई क्या है भाई गन्ने की? मोटाई देख लो जी आप, मोटाई में कुछ ये भी आप देखो कितना है, 2 इंच का गन्ना है, पूरी काटी थी 2 इंच की, देख लो आप, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ब्याह देख लो आप, ब्याह तो बढ़िया। अच्छा, इसके गन्ने से कम किसी भी आंख में मतलब है नहीं जी, कोई से भी मूड देख लो, इधर देख लो, इधर देख लो, कहीं भी देख लो, दिखा दो आप। ये देख लो भाइयों, थोड़ा सा झुकड़ा सी भी रहा, जगह जगह गिर रहा, और प्रयास कर रखा रोकने का बहुत ही ज्यादा। ये देखो जी इस तरीके से खड़ा करना, और बढ़िया खड़ा बहुत ही।
ये देख लो जी 11015 वैरायटी है भाइयों, ये सारा दिखा रहा हूँ आपको। ये देखो जी, ये देख लो जी, ये जी। अच्छा इसकी जैसा मान लिया कुछ पहचान भी कुछ अलग से है क्या? पहचान है जी हाँ, के पास में इसकी के पास में थोड़ी गहराई का वो है, आप किसी को देख सको, देखो ये देखो आप जी, ये होगी आँख तो यहाँ के आँख के पास में गहराई का जो है ना ये असली की पहचान है। अच्छा ये धारी सी है? हाँ जी हाँ, आप किसी भी आँख के पास देख सको, यहाँ गहराई नजर आओगी आपको, कोई से भी मेडे में देख लो आप, किसी भी खेत में कहीं भी देख सको, पूरे खेत में मोटाई देख लो आप, यहाँ देखो यहाँ भी ये गहराई जो है इसके आँख के अगली साइड में, ये इसकी असली पहचान है। अच्छा ऊपर जाएगा कुछ पोरी छोटी हो जाएगा? हाँ बस देखो गन्ना पत्ती उसी हाल से बढ़वार करेगी, पोरी तो छोटी नहीं है लेकिन ऐसे देखो कुछ छोटी तो पड़ी जा, हाँ ऊपर गोले के पास। हाँ जी अच्छा, और नीचे का मोटाई भी अच्छी है, नीचे लंबाई है, लंबी है, लंबी है जी, ऊपर जाएगा छोटी पड़ी जी। गन्ना स्वस्थ है वैसे, पूरा खेत स्वस्थ है, ये 5 भी है खेत है जी, पूरा का पूरा स्वस्थ खेत है। और सिल्ली की जिम्मेदारी है मारी जी, अगर कोई भी ईसा नु कह दिया कि नहीं यू 11015 नहीं है, वो भी 1 लाख रुपए लेगा और हम भी 1 लाख रुपए धरे जी, और जो कोई ईसा पहचान सकता हुआ है भाई यू 11015 नहीं है, साबित कर दे हमें 1 लाख रुपए देने के लिए तैयार, असली की जिम्मेदारी है। नहीं वो तो आप अपनी तरफ से संतुष्टि कर रहे हैं तो 11015 है ही। हाँ हाँ नहीं फिर भी मतलब किसी के मन में यह बात आवे कि नहीं भाई इतना बड़ा खेत कोई बो नहीं सकता, ले आ गए ये नहीं कर सकता, 100 बात बतावे आदमी जी, हाँ तो अपनी आओ संतुष्टि करो, बेफिक्र हो गए जी जी। हाँ जी तो अभी जो है इसमें मतलब कितना उपलब्ध है आपके पास बीज? तो अभी मिल ही जाएगा, अभी तो देखो 15 मार्च तक बुआई होगी जी, कुछ अब जो खेत है वो देखो मुड्ढे के हैं, लोगों के पास में कम जमीन है तो कम खाली है, नहीं सिरसू कटने तक तो सब पहुंच जा जी जी, हाँ नहीं मानते हैं 10-12 दिन तो 10 दिन तो है ही जी, बुकिंग करने के लिए 10 दिन तक और काम चल सके, उसके बाद में तो फिर परेशान मत करना, मैं जमीन करना और अपने आप भी खुद ना होगा आदमी जी, अगर नहीं मानते क्यों, मांग इतनी है कि फुर्सत नहीं है। हाँ जी हाँ जी बहुत मांग है, बीज है कम जी, वो है जी चक्कर। अच्छा मान लिया जैसा और भी दूसरे बीज बो रहे हैं, दूसरे कौन कौन से बीज बो रखे हैं आपने? बीज 5125 है जी, 117231 है। ये कौन सी वैरायटी है? ये यहीं से अर्ली से, यहीं से अर्ली की है, यहीं से यूपी से पास है। अच्छा 17231 तो बलगन 2 रुपए बर्ड में मुजफ्फरनगर अनुसंधान केंद्र भी दे रहे हैं, वहाँ लखीमपुर शाहजहानपुर सारी जगह है। अच्छा ये भी है, मील वाले भी प्रचार कर रहे हैं उसका 17231 का। अच्छा अर्ली में है? अर्ली में ही है जी। हाँ अच्छा जी, तो ये आपका तो कुछ बीज कट भी गया पहले जो? हाँ जी हाँ, कुछ बीज असोज में चला गया था फागण की, देखो मार्च की बुआई का इतनी मांग है कि असोज में ही कटवाया कर लेंगे जी, मार्च की बुआई नु कहने लगे अड़वा ठाड़ा जैसा भी है तो हमें दे दो, हम तो बोलांगे जी, नु देख लो तुम साइड से दिखाया आपको, मन ने 1.5 भी कहीं कट रहा। हाँ वो कट रहा, पंजाब के लेके थे उसे कटवाया जी जी। हाँ जी तो मांग बहुत ज्यादा है, ऐसे नहीं है मांग सब है, पता भी चर्चा में भी हुई बीज है। अच्छा हाँ जी सबको पता है, कुछ इसका प्रचार करने की भी कोई ज्यादा वो नहीं है, सबको पता चर्चा में है बीज है जी, तो कुछ क्वालिटी है इसमें, जब भी तो बुना चेहरे लोग ही सकने। बिल्कुल 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 जी, ये तो अफीम अफीम के नाम से प्रसिद्ध हो रहा है। जी 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 सही कह रहे हैं आप, ये तो बहुत कम है, बीज भी वैसे बहुत कम है हमारे यहाँ भी, 10-5 दिन की बात रह रही है बस, जिस दिन भी वो एक बार मेढे की हाइट चेक करवाए, देखो हाइट कहाँ तक हो रही है आपके यहाँ? इस तो मेरी बहुत लंबाई है वैसे तो, और यहाँ से देखो इसे देख लो आप जी, यहाँ से 8 है का मेरा, 9-10 फुट का ज्यादा हुआ, कम से कम भी 11-12 फुट का तो गन्ना है जी, उसके ऊपर घोड़ा है। लेकिन इसमें एक खूबी और भी है जी, इसमें लास्ट तक ही गन्ना है जी, घोड़ा तो बहुत ही कम है। हाँ गोला एकदम जाएगा, चौड़ी पत्ती सी होगी। हाँ जो कहता है ना गोला को खा गया जी, तो ये गोले को खा जा, मान लो किस्म से गन्ना ही गन्ना है ऊपर तक जी जी। हाँ जी तो आपने बीज की वजह से इसमें डोज भी थोड़ी सी डोज कम दी जी। हाँ नॉर्मली डोज है, नॉर्मली स्प्रे है बस, नु है रोग राग का पता चल जा भाई, आदमी जब भी तो अगर भविष्य में भी तो बोना जी, और धोखा धड़ी करके हमें किसी के साथ के करना अगर नहीं मानते जी जी, भाई इच्छा है लोग बोवांगे अगर नहीं मानते भाई, बीजू की समस्या तो बनी रही बिल्कुल, तो 2-3 साल तो आदमी को भाई उल्टा पलटी करनी पड़ेगी, परिवर्तन प्रकृति का नियम परिवर्तन है तो करना पड़ेगा, नहीं मानते जी जी। हाँ जी तो वीडियो में एक बार अपना नंबर बता दो जी। जी मेरा नंबर है 6398 में
23 24 48 जी जी। तो भाइयों ये रोबिन भाई का नंबर आ गया इसमें वीडियो में, सन्नी भाई, सन्नी भाई का। और जिस भाई को जो है बीज की जरूरत होगी वो इस नंबर पे जो है फोन कर लियो और अपना जो है भाव भू तय कर लियो। भाव भी कुछ वीडियो में बताऊंगे, बस ऐसे ही तय कर लेंगे जी वीडियो में क्या बतावा। फिर कुछ आदमी ये कहेंगे कि भाई हमारी साथ में ये कर दिया, मामानू कर दिया, फिर उसमें थोड़ा दिक्कत हो जा जी। अगर मानते जी जी बस देखो किसी चीज की मांग बढ़ती रहे ऐसी बात नहीं है, ये आदमी का मन लालची होता जी। किसी चीज की मांग बढ़ती रहे तो ये आदमी उसी हिसाब से उसके रेट बढ़ाते रहे जी। रेट रखेंगे सेम सही ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो नहीं है आज कुछ और कल कुछ हो जा जी। तो फोन पे संपर्क कर ले आदमी तो उसी हिसाब से रेट बता दे। चलो ठीक है जी। तो भाइयों ये देखो जो है सन्नी भाई का नंबर आ गया। और तो मैं एक बात और कहना चाहूंगा, मैं तुम्हें जी ये तुम ना मानियो हमारे बीज कोई सस्ते में आ था, ये भी बात ना मानियो तुम जी। बहुत मैं शुरुआत सही में जिसका काम करा उसी सही रेट में बहुत महंगे बीज ले के वो रखे पहले से ही जी। मन नहीं कर रहा मगर लोग ले ना लो उस बात से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस बात से फर्क पड़ता कि बीज बहुत महंगे में लेकर बोए जा, बहुत बच्चे की तरह ये पड़े जा जी। ऐसे नहीं होते, ऐसे नहीं पड़ते, ऐसे ही पड़ जा जी जी। तो ये आदमी 2-3 क्विंटल के लिए मैं भाई अक्समा चाहूँ मतलब समझ चाहूँ इस चीज की माफी चाहूँ किसान भाई उसे कृपया करके 2-3 क्विंटल के लिए परेशान ना करे। 2-3 क्विंटल वाला वो भाग्या फिरने वाला काम मेरे पे ज्यादा होने का भी नहीं जी। हाँ जी तो कम से कम भी 10 क्विंटल वाला किसान बात करे, इससे कम वाला बात भी ना करे जी। ठीक है साहब जी, जो मेरे शब्दों में कुछ किसी को बुरा लगा हो तो उसके लिए मैं माफी चाहूँ। नहीं जी नहीं सही है, आपने क्लियर कर दी बात। देखो सबको आप अपने हिसाब से अपने काम करने पड़े, अगर मानते जी मैं घर में अकेला हूँ, करने वाला अकेला हूँ, सबकी स्थिति अपनी अलग अलग है, किसी के घर में कुछ बात है किसी की कुछ बात है, तो कृपया करके 2-3 क्विंटल वाले किसान परेशान ना करे, 10 क्विंटल मिनिमम कम से कम लेने वाला परेशान मतलब बात करे जी। ठीक है जी, चलो जी बहुत बढ़िया। नमस्कार जी। नमस्कार जी, भैया देखो भाई किसान भाई जो है सनी ने ये बात अपनी क्लियर कर दी सारी, बीच उपलब्ध है इनके यहाँ, और जिस भाई को चाहिएगा वो फोन कर लियो भाई पहले और संपर्क कर लियो। तो भाइयों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको जरूर पसंद आएगी। सब्सक्राइब और लाइक करना। नमस्कार।